टॉप्स टेक्नोलॉजीज जो आपको देती है ट्रेनिंग, आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट सर्विसेज, जहां 1,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन हुए हैं और है प्लेसमेंट के लिए 3,000 से ज्यादा कंपनी टाइप्स, 50 से ज्यादा कोर्सेज और जॉब गारंटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। टॉप्स टेक्नोलॉजीज। अभी जो आप अपना फ्यूचर जावा के लिए देखना चाहते हो तो वो सही है। जावा सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, SQL, HTML, HTML5, CSS, CSS3, etc. ये हमने क्यों बोला है कि ये आना चाहिए, क्योंकि ये पिल्लर है सारी लैंग्वेजेस के। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स में माहिर हो तो आप अपना जावा का फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हो। सो आज हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि हमें जावा क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले तो जावा एक बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ओपन सोर्स है। अगर आप गूगल ट्रेंडिंग में जाके देखोगे तो भी जावा टॉप पे है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको एक्टिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे सर ने प्रैक्टिकल करवाया लेक्चर में, वैसे ही आपको उसी ही टाइम पे वहाँ पे प्रैक्टिकल करना होता है। सो डाउट सॉल्विंग एट द सेम टाइम। यहाँ पे जावा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 1 कोर जावा, 2 एडवांस्ड जावा एंड 3 फ्रेमवर्क। कोर जावा के अंदर आपको कंसोल यानी कमांड बेस्ड और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन सिखाएंगे, जिससे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स पावरफुल हो जाएंगे और उसी से आप बड़ी बड़ी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि हेल्थ केयर, स्टॉक मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हो। फिर हम आपको एडवांस्ड जावा सिखाएंगे। एडवांस्ड जावा के अंदर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन सिखाएंगे, जिससे आप इसके अंदर J2EE, सर्वलेट, JSP, MVC, रेस्टफुल वेब सर्विसेस सीखोगे और उसी से आप बड़ी बड़ी सिक्योर वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि IRCTC, GSRTC, स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल etc. फिर हम आपको फ्रेमवर्क सिखाएंगे। यहाँ पे आपके पास मेनली 2 फ्रेमवर्क हैं, 1 हाइबरनेट और 2 स्प्रिंग। अगर आपने ये सारी जावा की कैटेगरी सीख ली, देन आप सोचो कि आप जावा की बात करते हो तो जावा के थ्रू और जावा के बाद क्या क्या और सीख पाओगे, जैसे कि कंसोल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, एंड्रॉइड, ऑटोमेशन टेस्टिंग, रोबोटिक्स, एम्बेडेड कोडिंग, बिग डेटा, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और बहुत कुछ। लेकिन पूरा जावा सीखने के बाद मुझे प्लेसमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो वो है TCS, e-clinical works, Signex Datamatics, Synoverge, etc. और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सभी लोगों को इंटरेस्ट होता है, सैलरी, राइट? तो जावा के अंदर सबसे अच्छी स्टार्टिंग सैलरी होती है फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस्ड के लिए। ऐसा आप बोल सकते हो कि नो लिमिट और नो एंड फॉर जावा डेवलपर्स सैलरी। सो गाइज, वेट मत करो, स्टार्ट करो अपना करियर जावा के साथ विथ टॉप्स टेक्नोलॉजीज।